नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे निमाड़ का दबंग न्यूज। खरगोन जिले के टांडा वरुण में सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में भाजपा मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें पहले दिन 5 सत्र हुए। पहले सत्र में ओम खंडेलवाल पूर्व जिलाध्यक्ष बड़वानी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने भाजपा मेरा परिवार विषय पर अपने विचार रखे, साथ ही कृषि अधिनियम पर अपने विचार रखे। दूसरे सत्र में चंद्रशेखर भालसे ने व्यक्तित्व विकास पर अपने विचार रखे। तृतीय सत्र में सांसद गजेंद्र पटेल शामिल हुए। वहीं भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति व उपलब्धियों से अवगत कराया व राजनीति के गुर सिखाए। इस अवसर पर लिपनी जलालाबाद के पटेल नाहरिया सेनानी ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में शुक्रवार को मुख्य वक्ता अंतर सिंह आर्य, सुभाष पटेल पूर्व सांसद व राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी शामिल हुए। सर, आज कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन ने और हमारे प्रदेश के संगठन ने मंडल स्तर पर मंडल प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया। ठीक है, हमारे देश के केंद्रीय नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे आदरणीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में ये देश भर में प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ मैं बरूड़ मंडल में उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर के सभी पदाधिकारियों के साथ में हमने भारतीय जनता पार्टी की संगठन की बारीकियों पर चर्चा की है। मध्य प्रदेश सरकार के साथ में हमारी केंद्र सरकार की द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएँ हैं, जनहितैषी लोक कल्याणकारी योजनाएँ और जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों पे भी हमने चर्चा करी है। और विशेषकर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिशा में काम शुरू किया है उस दिशा में, और साथ ही हमारे राष्ट्र की आत्म सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय को लेकर भी मैं यहाँ ग्राम बरूड़ के इस मंडल प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित हुआ हूँ। सभी कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत हुई है। इस प्रशिक्षण वर्ग के दौरान मैंने अपनी बात रखी है और मंडल स्तर के पदाधिकारियों ने भी मंडल से संबंधित, पार्टी से संबंधित गतिविधियों को हमारे समक्ष रखा है। हम सब मिलके इस दिशा में चिंतन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम कर रही है और ये काम जो है विकास के जो काम है वो आम जनता तक पहुंचना चाहिए, इसी बात को लेकर यहां हम एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। वही शुक्रवार को सेगांव पहुंचकर राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने विगत दिनों सेगांव के समाजसेवी व वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय श्री संतोष जी गोयल के निधन पर उनके निजी निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके परिवार से भेंट की। इस अवसर पर भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश जी भावसार, पत्रकार जय गुप्ता, दीपक गुप्ता, राम यादव मौजूद थे। पत्रकारिता भी करते हैं।